रिजीश पूरा नाम क्या है? पूरा नाम रिजीश राजू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक माय हंगर। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फैमिली के साथ ट्रिप पर आए हुए हैं द गॉड्स ओन कंट्री केरला में, एंड हमको इस पूरे जर्नी में अकॉम्पनी करने वाले हैं जिससे हाय मतलब इनको यहाँ का काफ़ी एक्सपीरियंस है केरला का। वी आर नाउ मतलब एयरपोर्ट से अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड वी आर जस्ट मूविंग ऑन बैक डायरेक्टली टू मुन्नार। मुन्नार किस लिए स्पेशल है रिजेश, कुछ बताओगे? मुन्नार की तरफ एंड फ्रेंडली मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कोचिन सिटी को अवॉइड किया बिकॉज यू नो हम लोग थोड़ा चाह रहे थे कि ग्रीन सिटी को कवर करें। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं मुन्नार, फिर एलिपी बैकवाटर्स, देन टेकड़ी, देन उसके बाद में हाउस बोट और देन इन द लास्ट कोवलम। मतलब मेरा ये डे वन का वीडियो होना है आज, और फ्रेंड्स इसमें मैं नेचुरली चीज़ें जो जो हैं केरला में आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी करूँगा। एंड इसी के साथ में एज यू ऑल नो आई एम ए फूड ब्लॉगर, तो मैं कुछ रेस्टोरेंट्स को भी यहाँ पर करूँगा। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट और डिनर जो है ये मैंने ऑलरेडी जो है हर एक रेस्पेक्टिव सिटी के अंदर होटल में लिया हुआ है। तो आई विल ट्राई टू कवर अप दी लंच एस्पेक्ट इन द वीडियो। तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ की जो स्पेशल फेमस रेस्टोरेंट्स होंगे डिफरेंट सिटीज ऑफ केरला, तो मैं वो सारे भी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए, बड़ा ही मज़ा आने वाला। एंड मुझे अकंपनी कर रहे हैं मेरी बेगम खुशनुमा एंड रेहान, हम लोग साथ में। सो रेहान से हाय। यर इज रेहान एंड यर इज खुशनुमा। सो हम लोग तीन लोगों की जर्नी है, हम लोगों ने किया हुआ है दी बेस्ट, बोलते हैं ना टूर के लिए सबसे बेस्ट होती है इनोवा, मतलब इनोवा किया। एंड रिजू इज गोइंग टू टेक यू ऑल अराउंड दी केरला एंड डिफरेंट सिटीज ऑफ केरला। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स। अभी हम लोग आए हुए हैं फेब्रुअरी एंड में, वी आर ऑन 25th ऑफ फेब्रुअरी। थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट है यहाँ का, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मुन्नार। थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है, वी कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एसी इन ए कार, क्या करें। आप सभी जानते हैं कि बच्चों का जो है छुट्टी का टाइम है एंड यू नो रेहान स्टडिंग इन आईसीएसई बोर्ड, तो उसको यही मौका मिलता है हम लोग के साथ में कहीं पर बाहर निकलने के लिए। एंड आई थिंक रेहान विल ऑल्सो एंजॉय। रेहान एंजॉय करने वाले हो? हाँ, इज नारियल पानी, कैन जस्ट सी। वैसे मैंने सुना हुआ है कि नारियल पानी जो है केरला में भी महंगा ही मिलता है, इवन तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं कोकोनट के, बट सिर्फ महंगा है ना यहाँ पर। क्या रीजन है वो? 40-50 है तो सेम इन मुंबई आल्सो। इधर नारियल से बहुत तेल निकलता है इसलिए। अच्छा, नारियल से तेल निकलता है इसके लिए। ओके, हम लोग घर से ये खाना बनाने को नारियल तेल यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उतरे हैं, वी आर गोइंग टू मुन्नार, और अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए उतरे हैं। देख सकते हैं रेहान थका हुआ लग रहा है, रेहान टायर्ड, बहुत ही रश लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं ऐसा समझ में आ रहा है। सो चलिए अभी चलेंगे अंदर और हम लोग कुछ नाश्ता करने वाले हैं। मैं भी थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है। क्ले ओवन एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर डोसा ये पूरा लंचों में बेसिकली, लेकिन हम लोगों ने खाली जो है ना फिलहाल लिया हुआ है डोसा, बिकॉज अभी जो है ना ज़िगज़ैग रोड आने वाला है मुन्नार के सारे, हम लोग कम कम खा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड डोसे में जो है ना थोड़ा भी ऑयल नहीं है एंड सांभर भी जो है ऑयललेस लग रहा है ऐसा। हाँ, टेस्ट है। चलो ओवरऑल मेरा जो है पेट भर चुका है, अब चलेंगे मुन्नार की राह पर और बहुत सारे ज़िगज़ैग जो रोड्स हैं वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ में आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है मुन्नार की वादियों में घुस चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो ज़िगज़ैग रोड जो है यहाँ का शुरू हो चुका है। एंड मुन्नार जो है ना बेसिकली ये है ग्राउंड लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाइयों पर, एंड इट्स वेरी पॉपुलर फॉर दी टी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस, इलायची और ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं उनका प्लांटेशन यहाँ पर होता है। और आप देख सकते हैं कम्प्लीट ग्रीनरी एरिया है, और अगर आप इस तरफ अगर देखेंगे तो पूरा पहाड़ नजर आएगा आपको, कैन सी दिस। और रोड्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी छोटा नैरो रोड है एंड टू वे है बेसिकली ये।
नाइट ड्राइविंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, नाइट ड्राइविंग करते लो नाइट ड्राइविंग भी? हाँ, नाइट ड्राइविंग भी करते हैं। ओके, मतलब ऐसे नहीं केरला को बोला जाता है कि गॉड्स ओन कंट्री, भर भर की ग्रीनरीज है पूरे हर बाजू। एंड अभी हमको यहाँ से कितना घंटा और लगने वाला है? 2 घंटा और 2 घंटा लगने वाला अभी यहाँ से। ओके, और कोचीन एयरपोर्ट से कितना दूर पड़ता है ये? कोचीन एयरपोर्ट से 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा फ्रॉम कोचीन एयरपोर्ट। ओके, अच्छा ये वाला। सो फ्रेंड्स, अभी ब्रिज देख सकते हैं, दिस इज 100 ईयर्स ओल्ड ब्रिज, यू नो लाइक क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स जब वो रूल करते थे हम पर। एंड रिवर है, दिस इज अ पेरियार रिवर, आप देख सकते हैं। ओह, केरला लॉन्गेस्ट रिवर है, दिस इज केरला लॉन्गेस्ट रिवर। और मुन्नार में से देखने जैसे क्या क्या है? मुन्नार में मेनली उधर एको पॉइंट है, फिर माटुपट्टी डैम। अच्छा, डैम है, प्लांटेशन, टी प्लांट। ओके, फिर एक नेशनल पार्क है, रविकुलम नेशनल पार्क, वो अभी बंद है। अच्छा, नेशनल पार्क हर साल में 2 महीना बंद होगा। अच्छा, ऐसा, तो अभी बंद किया उसको? हाँ, बंद किया, फेब्रुवरी मास महीने में हर साल में बंद कर देता उसको। सो फ्रेंड्स, ये जो है ना चियापरा वाटरफॉल्स है, बट आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में जो ये पूरा सूखा हुआ है पूरा ऊपर तक, तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी, ऋजेश बता रहे थे कि पानी बहुत अच्छा फ्लो होता है यहाँ पर पूरा ऊपर से। चलेंगे आगे, अभी यहाँ पर जो है एक एलिफेंट राइड है, और बोलते हैं कि हाथी पर बैठ के नहाने का जो मजा है बहुत मजा आने वाला है, तो मैं जो है अभी उस राइड को एंजॉय करने वाला हूँ और साथ में नहाने भी वाला हूँ हाथी पर बैठ के। सो फ्रेंड्स, ऑन द वे टू मुन्नार, दिस इज द वाटरफॉल। इसके पहले वाला जो वाटरफॉल हमने देखा वहां पर तो जो है हम लोगों को वाटरफॉल नहीं नजर आया, बट यू कैन सी दिस इज ब्यूटी। आ हा हा, है ना। सो फ्रेंड्स, ये है एलिफेंट बाथिंग, चलिए डेमो देख लेते जरा। अच्छा, ये हाथी जो है ऐसा पानी उड़ाएगा? हाँ, ऐसे हाथी पानी उड़ा के ऊपर डालते हैं। ओह, हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं एक साथ? तो कपल के लिए, कपल के लिए बेसिकली, बच्चे जो भी बैठ सकते हैं। और तीन लोग बैठ सकते हैं? नहीं, चार आदमी बैठ सकते हैं। चार आदमी बैठ सकते हैं ना, बोलो। हाँ, ले लेंगे ना, कपड़ा है ना, चेंज कर लेंगे ना। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस तरीके से हाथी पे कपल्स या फैमिली बैठते हैं और उसके बाद में जो है ना दे एंजॉय। फिर उस तरफ से पानी कौन फेंकता है? हाथी फेंकते हैं, हाथी फेंकता है पानी। जैसे देखिए, ये हाथी फेंकते हैं पानी। अच्छा, ऐसा मजा आएगा। कितना है इसका चार्जेस? ये 30 मिनट का प्रोग्राम है। हाँ? ये 1500 पर हेड रहता है। अच्छा, इसमें से आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, राइड मिलेगा, राइड, बाथ, शावर, आशीर्वाद, फीडिंग, फोटो सेक्शन, आप लोगों को रूम, कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए सेपरेट रूम भी मिलेगा। ओके, ये प्रोग्राम में आप लोग को जो माला है ना, माला भी डाल के आप लोग को आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, एनीवेज केरला इज वेरी फेमस फॉर दी स्पाइसेस, सो लेट्स गो एंड सी दी स्पाइसेस गार्डन यहाँ पर है। चलिए अंदर चलेंगे, आइए। सो कौन कौन से स्पाइसेस यहाँ पर आप लोग प्लांट करते हैं? नॉट ओनली स्पाइसेस बट आयुर्वेदिक हर्बल्स आल्सो। अच्छा, आयुर्वेदिक हर्बल्स आल्सो। ये एक 46 एकड़ का प्लांटेशन है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। इसमें स्पाइसेस है ऑलमोस्ट, पेपर,
clove, cardamom, nutmeg. Okay. Almost more than 10 varieties of spices. Okay. हाँ. And different types of Ayurvedic herbals. ये demo area है. Okay. Sample है क्योंकि ये सारे लोग tourist लोग के पास limited time में आता है. हाँ right. तो उनके 46 acre दिखा नहीं सकते हैं. Okay. हो नहीं सकते हैं. फिर हाँ. उसके लिए time भी नहीं है. हाँ right. और इसलिए क्या important spices herbals सब समझाने के लिए देखने के लिए अच्छा okay. से हम लोग demo किया. Demo है. किया हुआ. Okay. जायफल नटमेग. क्या है? नटमेग. जायफल. जायफल. Okay. सो फ्रेंड्स फाइनली वी आर रीचिंग टू मुन्नार द फॉग होटल. थोड़े ही वक्त में हम लोग पहुंच जाएंगे. आई थिंक वी आर एट ए 45 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम हियर. और थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल रहा मुन्नार. यू नो इट्स अ ज़िगज़ैग रोड. तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना दिमाग भी पूरा हिल गया है फ्रेंकली, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग को थोड़ा सा चक्कर जैसे भी लग रहा था. तो हमने ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया. वी स्किप द आफ्टरनून लंच एंड वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. फाइनली वी आर reaching near the fog Munnar. So here is fog. So friends, finally मैं अब जो है fog hotel here in Munnar पहुंच गया हूं. मैं आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया होटल है. दिस इज अ 4-star होटल here in Munnar. और चलिए अब चलेंगे रूम के अंदर और देखते हैं. एंड फ्रेंकली मैं बहुत ही टायर्ड हूँ. फुल डे का बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहा है मेरा. आप एक क्लोजर व्यू भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये पूरा कॉटेजेस वगैरह बनाया हुआ है यहाँ का पूरा. आप देख सकते हैं. चलिए चलते हैं और रूम के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले आज हम लोग. चलिए अभी आज प्लान है अभी बजे करीब 3:30 सीधा जो है ना फ्रेश होने के बाद में हम लोग सोने वाले हैं आज बस. और कुछ भी नहीं करने वाले फ्रेंकली. चलिए चलते हैं सीधा रूम के अंदर. आई वुड close on the blog for the today's session, then we would be coming back with the fresh mood tomorrow in the morning at the breakfast at the Fog International. So chaliye friends, aise hi ek naye vlog mein bahut hi jaldi main aap log ko milunga. Till that time agar aapko waqt mile to khane ka peene ka ghumne ka firne ka aur mast rehne ka lekin koi bhi galat kaam nahi karne ka. Chaliye milte hain mere next vlog mein. Bye bye.